स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, रिसेंटली NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि जितने भी मदरसे हमारे देश के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो सारे के सारे अनफिट हैं या फिर अयोग्य हैं प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो ऐसा आखिर क्यों कहा NCPCR ने, क्या तर्क दिए और इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब था, इन सभी चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखो रिसेंटली क्या हुआ, मदरसे जितने भी, देखो मदरसे के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो बेसिकली मुस्लिम इंस्टीट्यूशन होते हैं, मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहां पे जितने भी बच्चे होते हैं वो वहां पे एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं। तो यहां पे NCPCR ने कहा है कि जो मदरसे होते हैं वो एक चाइल्ड की प्रॉपर एजुकेशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। क्या इन्होंने तर्क दिए होंगे वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार NCPCR बॉडी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये बॉडी है क्या। तो इसके अगर आप फुल फॉर्म बात करें तो वो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो सारी की सारी ये ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। और ये किसके अंतर्गत आती है, ये आती है इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका जो रोल होता है वो ये होता है कि भाई चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनसे रिलेटेड जितने भी एजुकेशनल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उनको निगरानी में रखना, इन्वेस्टिगेट करना कि कहीं चाइल्ड राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा, और गवर्नमेंट को ये एडवाइस करना कि भाई चाइल्ड राइट के लिए और या फिर उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। तो ये सारा का सारा काम है NCPCR का। अब यही NCPCR जो है कहां जाती है, सुप्रीम कोर्ट में, और कहती है कि जितने भी मदरसे हैं हमारे देश के अंदर वो अनफिट हैं एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, और इसी की वजह से जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं उनका फ्यूचर जो है वो, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है। अब देखो क्यों ये न्यूज में बना हुआ है, अचानक से क्यों न्यूज में आया, तो देखो इसीलिए आया क्योंकि NCPCR इज इन द न्यूज फॉर टेलिंग द सुप्रीम कोर्ट दैट मदरसास डोंट प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन अंडर द RTE एक्ट, यानी कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट होता है उसको फुलफिल नहीं करता मदरसा। यहाँ पे ये जो आर्ग्यू है, मद्रास लैक ऑफ फुल करिकुलम एंड नेसेसरी एंटाइटलमेंट, इन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि इसके जो करिकुलम होता है मदरसे का वो प्रॉपर नहीं होता। दिस फॉलोज अलाहाबाद हाईकोर्ट डिक्लेयरिंग यूपी मदरसा एक्ट 2004 अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो अलाहाबाद हाईकोर्ट है उन्होंने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित भी कर दिया, और विच द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड, यानी कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा है। अब बात करते हैं कि क्या क्या NCPCR ने जहां पे तर्क दिए हैं, उन्होंने किस बेसिस पे ये कहा है कि मदरसास जो हैं वो अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए असमर्थ हैं। सबसे पहले इनएडिक्वेट एजुकेशन, मदरसास जो होते हैं वो बेसिकली रिलीजियस टेक्स्ट पे फोकस करते हैं विद लिमिटेड फॉर्मल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे इनका यही कहना है कि जो मदरसे होते हैं ना वो कुरान या फिर उससे रिलेटेड, उर्दू से रिलेटेड या फिर एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, ना कि कोई फॉर्मल सब्जेक्ट को इंक्लूड करता है, इसी वजह से जो है ये अनफिट बताया। दूसरा रीजन इन्होंने दिया मिसेस की एंटाइटलमेंट, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि मिड डे मील्स, यूनिफॉर्म और दूसरे RTE बेनिफिट जो एक स्टूडेंट को मिलने चाहिए वो भी इसके अंदर नहीं मिलते हैं। तीसरा इन्होंने बताया फंक्शनिंग, इन्होंने यही कहा कि जो मदरसे के अंदर जो टीचर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, उनकी क्या क्या योग्यता है इसके बारे में किसी को नहीं पता, और उनको कहाँ से फंडिंग मिल रही है ये भी नहीं पता, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है ये भी नहीं पता, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये भी किसने कहा, NCPCR ने। इसके बाद ये बोलते हैं नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इन्होंने कहा कि चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए ना सिर्फ अकेडमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होती बल्कि साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं, और सारी की सारी मिसिंग है कहाँ पे, एक मदरसे के अंदर। तो इससे क्या हो रहा है, चाइल्ड का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि भाई RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को वायलेट करता है मदरसा, मदरसा डोंट अलाइन विद फॉर्मल एजुकेशन रिक्वायरमेंट, जो कि एक एजुकेशन में होनी चाहिए वो सारी की सारी इसमें नहीं है। फिर इसके बाद इन सभी कारणों की वजह से जो आर्टिकल नंबर 21A है, यानी आर्टिकल नंबर 21A कहता है कि जितने भी मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन होती है वो उसको पाना हर किसी इंसान का अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है। डिनाइल ऑफ चाइल्ड फंडामेंटल राइट इज अ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे 21A का ब्रीच हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, यानी कि वही जो सेम अभी आपको चीज बताई। तो ये सारे के सारे तर्क दिए किसने, NCPCR ने। तो अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज आती है कि जितने भी बच्चे यहाँ पे मदरसे में पढ़ते हैं, यहाँ पे बोला गया NCPCR के द्वारा कि इनको केवल धर्म से रिलेटेड जो है चीजें पढ़ाई जाती है, अगर ये और दूसरे सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करें जैसे कि बाकी टेक्स्ट बुक हो गई, ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीजें जो स्किल्स को डेवलप करें तो वो सारी की सारी चीजें भी होंगी, तो एक प्रॉपर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रूप ले पाएगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी सपोर्टर्स हैं, यानी ऐसे लोग जो मदरसे को सपोर्ट करते हैं, उनका भी कुछ कहना है, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि देखो मदरसा जो है ना असेंशियल रिलीजियस टेक्स्ट
बिल्कुल प्रोवाइड कराता है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, लेकिन इसमें गलत क्या है? अगर मान लो कि एक माइनॉरिटी किसी देश के अंदर रहती है और अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू अगर बच्चों को अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए अगर नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? यहाँ पे इन्होंने साथ ही कहा कि सर्व एज ए इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन एरियाज लैकिंग फॉर्मल स्कूल्स, और जहाँ पे स्कूल्स नहीं है पिछड़े इलाकों में, वहाँ पर मदरसा जो है काफ़ी अच्छा रोल निभाते हैं, एक स्कूल की कमी को पूरा करते हैं। फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरमेंट, इसमें क्या बोला गया इन्होंने कि अडेप्ट टू दीज नीड्स ऑफ द स्टूडेंट इन वेरियस कम्युनिटी ऑफरिंग एजुकेशन दैट मे नॉट बी अवेलेबल इन फॉर्मल सेटिंग, यानी कि जो फॉर्मल सेटिंग्स में उनको नहीं मिल पाएगी एजुकेशन वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। अब देखो यहाँ पे जो है एजुकेशन कमेटी, मतलब जब भी बात आती है माइनॉरिटी कम्युनिटी की या फिर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की, तो यहाँ पे एक कमेटी निकल कर आती है जिसका नाम है सच्चर कमेटी। ठीक है, ये हमेशा से एक इतनी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की कमेटी रही है जिसकी हमेशा से गवर्नमेंट सुनता है। तो एक बार देख लेते इन्होंने क्या कहा है। तो देखो इन्होंने ये कहा है कि मदरसा के अंदर जो एनरोलमेंट है बच्चों का वो केवल 6% है, यानी कि आज भी बहुत बड़ा परसेंटेज जो है मुस्लिम बच्चों का वो मदरसे में नहीं जाता है। और क्यों है ऐसा, क्यों ये 6% भी जाते हैं? क्योंकि इनके पास यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रॉपर नहीं है, यानी कि गरीबी की वजह से या फिर फाइनेंस की अभाव की वजह से यहाँ पे इनको ऐसा जाना पड़ता है मदरसे के अंदर, तो वो ऐसा जाते हैं, यानी कि फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे ये यही कहते हैं, सच्चर कमेटी यही कहती है कि यहाँ पे मानसिकता को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनकी मानसिकता या फिर मदरसे की मानसिकता को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रन करने चाहिए, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जानी चाहिए जिससे कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनका स्टेटस बढ़े, और वो भी क्या हो कि यहाँ पे मदरसे की जगह अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और थोड़ा महंगा या फिर अच्छा चूज कर सकें। तो यहाँ पे ये बोला गया इनके द्वारा। अब देखो इसके बाद फिर जो कुछ मदरसे को सपोर्ट करते थे उन्होंने जो है कुछ और भी तर्क दिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम लोग जो है फॉर्मल एजुकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि एनसीईआरटी जैसी बुक्स जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो अपना ऑपोजिशन वाला रोल है, यानी कि एनसीपीसीआर ने ये कहा कि अगर आप कुछ यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन को इंक्लूड कर लोगे, कुछ किताबें इंक्लूड कर लोगे, तो उससे ये प्रॉपर एजुकेशनल करिकुलम नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो खैर ये तो थी अभी की पूरी न्यूज़, जहाँ तक अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई भी यहां पे सुनवाई नहीं की है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है कि जो मदरसे हैं हमारे भारत देश के अंदर उनका अस्तित्व बना रहना चाहिए या फिर वो जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो रेलेवेंट है? आपके जो भी राय है अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर बताएं। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास ये दो एप्लीकेशन जरूर हो, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जीके और इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारा कॉन्टेंट मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो को यहां तक देखने के लिए। अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर लिखें।